हम व्यवहार कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हम सभी भाषा को सम्मान दें और एकाध दो शब्द सीखें। आज मैं ऐसे ही इस भाषा के लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ जिसका प्रबंध हमारे संविधान ने 71 अमेंडमेंट 31 अगस्त 1992 में किया था। तीन पहाड़ी भाषाओं को उसमें जोड़ा गया था जिसमें से एक था कोंकणी, दूसरी थी मणिपुरी और तीसरी थी नेपाली। इन तीनों भाषाओं को हमारे संविधान में लाया गया था जो हमारे राष्ट्रभाषा के मदर के तत्व में आते हैं। तो उसी के संदर्भ में मुझे सौभाग्य आज दिया है कि इन्हें कुछ शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करो नेपाली भाषा में। तो मैं इसके शब्दों को मैं पढ़ूंगा, आप जोर से दोहराएंगे। काफी बहुत ही साधारण भाषा है, सिंपल है और सीखने में बहुत आसान है, इसमें समझने में कोई नहीं है। पहले तो कि आपका नाम क्या है, तो इसके लिए हम बोलेंगे तपाई को नाम के हो, तपाई को नाम के हो, हाँ तपाई मतलब बड़ों के लिए। और छोटे को यदि हम बोलते हैं तो अपने समान कहते हैं तिम्रो नाम के हो। हम अपने साथ में यदि बोलेंगे तो हम बोलेंगे तिम्रो नाम के हो, मतलब अपने समान से। अब मैं किसी बड़ों को बोलेंगे तो आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, जिसे हम बोलते हैं तो उसको दो तरह से हम एस के रूप में लेते हैं, तपाई को नाम के हो। अब जो भी नाम है वो नाम अपने बोले थे, यहाँ जो लिखा हुआ है मेरो नाम लक्ष्मी हो, तो अपना नाम बोलेंगे तपाई को नाम के हो, मेरो नाम लक्ष्मी हो या मेरो नाम केदार हो, जो भी। इसके बाद है कि आप कैसे हैं, इसको यदि करना है तो आप है तो तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, तपाई कस्तो हुनुहुन्छ। अब बात है कि हुनुहुन्छ को एक शब्द बोलना है, ये तो हमें मैंने अलग से कर दिया, ये हुनुहुन्छ को एक शब्द बोलना है, तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, म सच्चै छु, म ठीक हुँ, मैं स्वस्थ हूं, मतलब ठीक हूं, जैसे जैसे बोलते हैं मैं मां सच्चै छु। तो ये कुछ हमने चार जैसे नमस्कार तो एक साधन है सभी में, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, तो हमारे नेपाली में भी नमस्कार आता है, हिंदी में भी हम नमस्कार ही बोलते हैं, तो यहाँ पर भी नमस्कार ही है। तो हमारा नमस्कार, आपका नाम क्या है, तपाईं को नाम के हो, उसके बाद मेरो नाम केदार हो, इसके बाद तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ, आप कैसे हैं, म सञ्चय छु, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। व्हाट इज योर नेम?